प्राकृतिक पर्व सरहुल को लेकर हर तरफ हर्ष, उत्साह और जश्न का माहौल है। मांदर नगाड़े की थाप पर थिरकते कदम, सरना स्थलों में पूरे विधि विधान से प्राकृतिक की पूजा अर्चना। दरअसल सदियों से चली आ रही परंपरा बताती है कि प्राकृतिक पर्व सरहुल का आदिवासी समाज में कितनी अहमियत है। सरहुल सिर्फ एक त्यौहार नहीं, यह प्राकृतिक से जुड़ाव का प्रतीक है। कर्मटोली में सरहुल महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक की पूजा के अवसर पे विधि विधान एवं मांदर बजाकर लोग खुशी मनाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरना और मसना स्थल आदिवासियों की आस्था से जुड़ा है, इसे संरक्षित रखने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक धरोहरों को अक्षुण रखने में समाज को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार के प्रयास और आपके योगदान से हम अपने सामाजिक धार्मिक धरोहर को अलग पहचान दे सकते हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ प्राकृतिक की पूजा की और राज्यवासियों देशवासियों को सरहुल पर्व का खूब बधाइयाँ दी। पेश है रांची से हमारे संवाददाता विनय कुमार की खास रिपोर्ट। पूरे गौओं का आशीर्वाद, पूरे देवी देवताओं का आशीर्वाद मूर्तियों पर बना रहे। इस पावन स्थल पे विधायक राजेश कच्छप, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और कई गणमान्य नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने प्राकृतिक पर्व सरहुल को सौहार्दपूर्ण मनाया। गांव पहाड़ जिस तरीके से हरे भरे हैं, वैसे ही हरा भरा शहर भी कहना, ये भी हम सबको सोचना होगा। और ये सोचना होगा कि हमारी भी भूमिका इसमें कितनी है, इस प्रकृति को क्या दे रहे हैं, ये भी हम सोच सकते। ये कभी संभव नहीं है।